विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। आधुनिक भारत के इतिहास में वामपंथी आंदोलन बताया था कल मैंने, लेफ्टिस्ट मूवमेंट के बारे में बताया था। लेफ्टिस्ट मूवमेंट के अंतर्गत कल मैंने बताया था कि वामपंथी विचारधारा के दो रूप, एक होता है साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, दूसरा बताया था मैंने समाजवाद यानी सोशलिज्म। ठीक है, साथ में ये बताया था मैंने कि साम्यवाद का नियंत्रण वैदेशिक भारत में, अगर हम साम्यवाद को देखते हैं तो भारत में साम्यवाद का जो नियंत्रण था वो क्या था, वैदेशिक था। यानी भारत के साम्यवाद को रूस की अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन कॉमिंटर्न कॉमिंटर्न से अनुशासित किया जा रहा था, जबकि भारत में जो समाजवाद था उसका मूल स्रोत जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वामपंथी दल था। क्या था? तो आज मैं आपको बता रहा हूं भारत में साम्यवाद यानी कम्युनिज्म इन इंडिया। तो क्या हुआ कि 19 मई 1919 में भारत के प्रथम प्रतिनिधिमंडल ने राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में लेनिन से मुलाकात की। महेंद्र प्रताप खड़क सिंह। मई 1919 में भारत के प्रथम प्रतिनिधिमंडल ने राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में लेनिन से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में मौलवी बरकतुल्ला, कौन? मौलवी अब्दुल रब, दिलीप सिंह गिल, पूरा नाम क्या है उनका, दिलीप सिंह गिल, तिरुमल आचार्य और इब्राहिम, ये सब लोग थे। 1919 ईस्वी में एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। एमएन रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए। मॉस्को रूस की राजधानी, मस्कोवा नदी के किनारे, और वहां पर क्या किया इन्होंने, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की सदस्यता ग्रहण की। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर मानवेंद्रनाथ रॉय थे, एमएन रॉय थे। कौन थे? इस मुलाकात के कालांतर में दो परिणाम निकले। प्रथम, भारतीय क्रांतिकारियों का एक वर्ग सोवियत संघ के स्वाधीनता संघर्ष को अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगा, और दूसरा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। दो रिजल्ट निकले इसके। पहला कि भारतीय क्रांतिकारियों का एक वर्ग सोवियत संघ के स्वाधीनता संघर्ष को अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगा, और दूसरा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई। 1920 में मॉस्को में द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का आयोजन किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें मानवेंद्र नाथ रॉय, वैसे वास्तविक नाम इनका नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य है। क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय का वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य है। इन्होंने भाग लिया और लेनिन के संपर्क में आए। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एमएन रॉय के नेतृत्व में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। 17 अक्टूबर 1920 डेट याद करनी पड़ेगी, जगह याद करनी पड़ेगी, ताशकंद। ताशकंद उस समय रूस में ही पड़ता था, हाँ, रूस में ताशकंद में मानवेंद्र नाथ रॉय के नेतृत्व में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? आंसर मानवेंद्र नाथ रॉय ने की। कहाँ पर की? ताशकंद में की। कब की? 17 अक्टूबर 1920। आचार्य एम प्रतिवादी भयंकर को अध्यक्ष और एम एन रॉय को इसका सचिव बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आचार्य एम प्रतिवादी भयंकर। भयंकर जो उपनाम है इनका, क्या है? आचार्य एम प्रतिवादी भयंकर। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की के पहले सचिव कौन थे? तो एम एन रॉय थे। सेक्रेटरी कौन थे? इसके अन्य सदस्यों में अवनी मुखर्जी, एटी राय, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, रोजा फिटिग्राफ, ये सब शामिल थे। एम एन रॉय ने 1922 में अवनी मुखर्जी के सहयोग से बर्लिन यानी जर्मनी से वैनगार्ड ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस और इंडिया इन ट्रांजिशन नामक समाचार पत्र निकाले। वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक जो पत्र था वो किसके द्वारा निकाला गया? आंसर एम एन रॉय और अवनी मुखर्जी। दूसरा पत्र है इंडिया इन ट्रांजिशन
ट्रांजिशन, ये पत्र किसके द्वारा निकाला गया? आंसर एम एन रॉय के द्वारा निकाला गया, अवनी मुखर्जी के साथ मिलकर। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज में मार्क्सवादी विश्लेषण का प्रथम प्रयास किया। मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स थे ना, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स, कार्ल हेनरिक मार्क्स। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के मजदूर आंदोलन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। भारत के विभिन्न भागों यथा कलकत्ता, बंबई, मद्रास, लाहौर में मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, सिंगार वेल्लू चेट्टियार और गुलाम हुसैन द्वारा कम्युनिस्ट ग्रुप स्थापित किए गए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ 1921 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध स्थापित हो गया। कालांतर में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ मतभेद होने पर 1929 में एम एन रॉय को इस संस्था के उच्च पद से हटा दिया गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की के जो उच्च पद मिले हुए थे उससे हटा दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि 1 सितंबर 1924 को कानपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 सितंबर 1924 को कानपुर में सत्यभक्त रे, कौन सत्यभक्त रे, इन्होंने क्या किया, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा की। तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किसने की? आंसर सत्यभक्त रे ने की। कब की? 1 सितंबर 1924 को की। कहां पर की? कानपुर में की। इस समय उपस्थित प्रमुख सदस्यों में मौलाना हसरत मोहानी, वीएम जोशी, पंडित राम गोपाल, रमा शंकर अवस्थी थे। अपने संविधान में पार्टी ने कुछ उद्देश्य एवं सिद्धांत स्पष्ट किए। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, संपूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लक्ष्य के अलावा पार्टी ने अपना प्रेरणा स्रोत राष्ट्रवाद को बनाया और घोषणा की कि उनका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई संबंध नहीं रहेगा। क्या कहा इन्होंने? उत्पादन एवं वितरण, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें कुछ सिद्धांत आपको ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ डायरेक्टिव्स ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें आपको साम्यवाद का क्या दिखाई देता है, साम्यवादी सिद्धांत दिखाई देते हैं। जैसे उत्पादन के साधनों पर वितरण के, उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। संपूर्ण स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य के अलावा पार्टी ने अपना प्रेरणा स्रोत राष्ट्रवाद को बनाया और घोषणा की कि उनका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि उसने अपना नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखा, ना कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। क्या रखा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जबकि एम एन रॉय ने जो स्थापना की थी वो क्या थी? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। और इसका नाम क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 1 दिसंबर 1925 को कानपुर में पहला साम्यवादी कॉन्फ्रेंस आहूत किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिस्ट राष्ट्रवादियों एवं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, रूसी सरोकार वाले के पक्षधरों में मतभेद उभर कर सामने आए और राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट के पक्षधर सत्यभक्त रे और अन्य अल्पमत में हो गए। अंततः विजयी पक्षकारों के विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को संगठित कर 26 सितंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और उसका मुख्यालय कानपुर के स्थान पर बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। वहां पर बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। इसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने मान्यता प्रदान की। इस सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों का संविधान स्वीकार करते हुए उसके 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए। नंबर 1, भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाना। नंबर 2, ब्रिटिश सत्ता का उन्मूलन करना। और नंबर 3, भारत में सोवियत संघ जैसी सरकार की स्थापना करना। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके बाद बता दूं कि भारत में साम्यवादी आंदोलन का इतिहास। तो भारत में साम्यवादी आंदोलन के विकास की प्रक्रिया सहज एवं निर्बाध नहीं थी, क्योंकि इसे प्रारंभ से ही ब्रिटिश सरकार के रोष का सामना करना पड़ा। अक्सर इसे गुप्त रूप से कार्य करना पड़ता था। अध्ययन करते हैं हम इसमें, तो 5 चरण दिखाई देते हैं हमें। पहला चरण है 3 षड्यंत्रों का काल। 3 षड्यंत्र कौन कौन से हैं? पेशावर षड्यंत्र जो कि 1922-23 में हुआ, दूसरा
कानपुर षड्यंत्र जो कि 1924 में हुआ, और तीसरा मेरठ षड्यंत्र 1929-33 में हुआ। कब? पेशावर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र। दूसरा चरण अगर हम देखें तो राजनीतिक वन्य का काल है। तीसरा चरण जो है वो संयुक्त मोर्चा योजना है। चौथा चरण देखें तो साम्यवादियों की उलटबाजी है। और पांचवा चरण अगर हम देखें तो साम्यवादियों की बहुराष्ट्रवादी नीति है। साम्यवादियों की बहुराष्ट्रवादी नीति। तीन षड्यंत्रों का काल देखते हैं। सबसे पहले थ्री कॉन्स्पिरेसी पीरियड। इसमें क्या हुआ, तीन षड्यंत्र में क्या हुआ? मॉस्को से प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता लेकर भारतीय साम्यवादी क्रांतिकारियों का पहला दल जब भारत आया तो उस पर भारत में ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगने लगा। इसलिए इस दल को निर्देशित करने हेतु इंग्लैंड के साम्यवादी दल ने एक प्रतिनिधि फिलिप स्प्रेट को दिसंबर 1926 में भारत भेजा। फिलिप स्प्रेट के नेतृत्व में भारत में कई संघों का गठन किया गया, समाचार पत्रों का संपादन किया गया और कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बंबई, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चार कामगार और कृषक दलों की स्थापना हुई। देश में और खासकर बंबई में अनेक हड़तालें आयोजित करवाई गई। सरकार ने देश में बढ़ती कम्युनिस्ट गतिविधियों को दमन करने के लिए इन पर तीन षड्यंत्रों में सम्मिलित होने का आरोप लगाया और उन पर मुकदमा चलाया। वो तीन षड्यंत्र कौन से थे? पहला पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23। एमएन रॉय और कुछ मुस्लिम सहयोगी युवकों ने मॉस्को की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण लेकर भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को संगठित करने के लिए विभिन्न मार्गों से भारत में प्रविष्ट हुए, किंतु इसकी सूचना ब्रिटिश गुप्तचर विभाग को पहले से ही लग चुकी थी। अतः भारत में प्रवेश करते ही भारतीय पुलिस ने जगह जगह से उन्हें गिरफ्तार करके पेशावर लाया गया और वहीं पर 1922-23 में उन पर ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र करने हेतु पेशावर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। अभियुक्तों की ओर से बैरिस्टर अब्दुल कादिर के प्रभावशाली पैरवी की वजह से क्रांतिकारियों को ज्यादा लंबी सजा नहीं हुई। सजा के विरुद्ध आगे कोई अपील ना होने के कारण यह प्रथम कम्युनिस्ट षड्यंत्र केस स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा है कानपुर षड्यंत्र केस 1924। हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप लगाकर कानपुर में एक षड्यंत्र के तहत कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया, जिसे कानपुर षड्यंत्र केस की संज्ञा दी जाती है। इस केस में एमएन रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलनी गुप्ता, अवनी मुखर्जी, उस्मानी मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, सिंगार वेलू चेटियार, रामलाल शर्मा पर 21 फरवरी 1924 को मुकदमा आरंभ किया गया। सरकार गुलाम हुसैन को अपना गवाह बनाने में सफल रही। अतः इस केस में चार लोग, नलनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, श्रीपाद अमृत डांगे और मुजफ्फर अहमद को चार चार साल की सजा सुनाई गई। कितनी? उसके बाद आता है मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33 में। कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 20 मार्च 1929 को 33 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मेरठ षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। 33 कम्युनिस्टों में तीन अंग्रेज थे। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी, ये तीन अंग्रेज कौन थे? फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिनसन। इनका नाम याद कर लीजिए भाई, क्वेश्चन बना हुआ यूपीएससी का। मेरठ षड्यंत्र केस में तीन अंग्रेज कौन थे? फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिनसन। 3.5 वर्ष तक चले इस मुकदमे के बाद 16 जनवरी 1933 को इसका फैसला आया। इसमें मुजफ्फर अहमद को आजीवन काले पानी की सजा सुनाई गई और 27 अभियुक्तों को सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी, कैलाश नाथ काटजू, एम सी छागला, इन्होंने पैरवी की। इस केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया। ये भी क्वेश्चन है यूपी का। 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा, यानी जैसे आधुनिक लोकसभा जिसे हम बोलते हैं, केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव क्यों पेश किया? आंसर, मेरठ षड्यंत्र केस के विरोध में। कांग्रेसी सदस्यों ने साम्यवादियों के विरुद्ध सरकार द्वारा लाए गए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल को केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया। इस केस के अभियुक्तों को मुक्त कराने के लिए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर गुहार लगाई थी। क्या लगाई थी? ये क्वेश्चन बना हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, वैज्ञानिक का क्या मतलब राजनीति से, लेकिन फिर भी ये कूदे। कौन? उस समय के सबसे ज्यादा आईक्यू वाले व्यक्ति, उस समय के क्या, आज तक के अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या थे ये? क्या थे? अंग्रेज थे, यहूदी थे, मुस्लिम थे, भारतीय थे, क्या थे? हाँ जी, चेक करो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर गुहार लगाई। गांधी जी स्वयं जेल में बंद अभियुक्तों से मिलने गए और उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की, किंतु ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर साम्यवादी ज्वार को रोकने के प्रतिकृत संकल्प थी। जुलाई 1934 में अंग्रेज सरकार ने भारतीय साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगाकर उसे अवैध घोषित कर दिया। क्या थे? यहूदी थे। मैंने कहा नहीं आपको, सबसे ज्यादा नरसंहार जो हुआ यहूदियों का हुआ है इस धरती पर, जो मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें। 60 लाख यहूदी मार दिया किसने? हिटलर ने, एक अकेले हिटलर ने। ये क्वेश्चन बना हुआ कि भारतीय साम्यवादी दल पर कब प्रतिबंध लगाया गया, कब उसे अवैध घोषित किया गया? आंसर 1934 में, जुलाई 1934 में। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। तो मेरठ षड्यंत्र केस तो बड़ा चर्चाओं में रहा, अल्बर्ट आइंस्टीन भी कूद रहे हैं, गांधी जी भी मिलने जा रहे हैं, है ना। उसके बाद दूसरा काल जो आता है वो आता है, दूसरा चरण जो आता है वो राजनीतिक वन्य काल, यानी पीरियड ऑफ पॉलिटिकल विल्डरनेस, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए जन जन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर रहा था। ठीक उसी समय भारत में साम्यवादी आंदोलन को संगठन और विचारधारा के स्तर पर अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन के संकेतों एवं निर्देशों पर भारतीय साम्यवादियों को चलना। वे कॉमिंटन के निर्देशानुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वामपंथी एवं दक्षिणपंथी अंगों में प्रहार करना आरंभ कर दिए। उनके विचार से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई भारत को स्वतंत्र कराने के लिए नहीं थी, अपितु संसार में एक साम्राज्य एवं पूंजीवादी भाग को शक्तिशाली बनाने के लिए थी। भारतीय साम्यवादियों ने चाहा कि वह इस संघर्ष का को त्रिकोण का रूप देकर कांग्रेस की शक्ति एवं प्रभाव कम कर दें, किंतु सामरिक उपगमन का परिणाम पूर्णतः अयथार्थवादी निकला और साम्यवादी दल ने अपने आप को न केवल राजनीतिक मुख्य धारा से पूर्णतः अलग कर दिया या अलग थलग पाया, अपितु 1934 में साम्यवादी दल व्यापार संघों एवं युवक मजदूर लीग को अवैध घोषित कर दिया गया। इतना समझ में आ गया? कहां से हो रहे थे? डोर कहां थी? रूस के पास थी, कॉमिंटन के पास। वहां से निर्देश आते थे, वो उसी हिसाब से काम करते थे। इस वजह से क्या हो गया? राजनीतिक वन्य काल आ गया इनका, इनका साम्यवादियों। तीसरा चरण जो है वो संयुक्त मोर्चा योजना है। 1935 ईस्वी में संपन्न अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन कॉमिंटन द्वारा वैश्विक उपनिवेशों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे दलों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया। वह ऐसे दलों की राजनीति को प्रगतिशील मानते हुए उन दलों में सम्मिलित होकर उसे अपरिहार्य करने की योजना बनाई। इसी के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश कर संगठन का उपयोग करते हुए कांग्रेस समाजवादी दल को सुदृढ़ बनाते हुए प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी लोगों को कांग्रेस से बाहर करने की नीति अपनाई। इसी नीति के आधार पर साम्यवादियों, कांग्रेस समाजवादियों और व्यापार संघों ने एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर संयुक्त मोर्चा व एक सर्वसाधारण दल बनाने का प्रयास किया, जिसका बहुत छोटा सर्वव्यापी कार्यक्रम था, किंतु यह मोर्चा बन नहीं सका और साम्यवादी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। साम्यवादियों की उलटबाजी, अगला चरण आता है साम्यवादियों की उलटबाजी। अगस्त 1939 तक भारत में साम्यवादी स्टालिन के अधीन रूस की प्रशंसा और हिटलर की निंदा करते थे, किंतु जब हिटलर ने स्टालिन के साथ युद्ध न करने की संधि यानी नॉन एग्रेशन पैक्ट कर ली, तो वह हिटलर साम्यवादियों के लिए शांति दूत और इंग्लैंड युद्ध चाहने वाला साम्राज्यवादी बन गया। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता विरोधी और साम्राज्यवाद को फैलाने वाला बताया, लेकिन 22 जून 1941 को हिटलर ने जब रूस पर आक्रमण किया तब अंग्रेज और रूस मिलकर उसका प्रतिरोध करने लगे, तो
तो भारतीय साम्यवादियों का रुख बदल गया। साम्राज्यवादी युद्ध जनता का युद्ध यानी पीपल्स वार कहलाने लगा। यही कारण था कि साम्यवादियों ने भारत सरकार की युद्ध के प्रयत्नों में सहयोग करना शुरू कर दिया। साम्यवादी दल की अवैधता हटाकर उसे कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। साम्यवादियों ने सिफारिश की कि क्रिप्स के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाए। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होने पर नेताओं को कैद किए जाने के बाद साम्यवादियों ने अंग्रेज सरकार की सहायता की। इससे स्पष्ट हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्यवादी बिन पेंदी के लोठों की तरह उलटबाजी करते रहे और भारतीय साम्यवादियों की नीति का संचालन राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय सूत्रधारों यानी रूस के द्वारा निर्धारित होता था। पांचवां चरण साम्यवादियों की बहुराष्ट्रवादी नीति। भारत में शक्ति हस्तांतरण हेतु होने वाली बातचीत के दौरान साम्यवादियों ने बहुराष्ट्रवादी नीति का पालन किया। उनका कथन था कि भारत की प्रत्येक भाषा इकाई को हक है कि वो भारत से अलग होकर अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाए। यानी टुकड़े टुकड़े चाह रहे थे कौन, साम्यवादी। उनके इस विचार में यह रण कौशल नहीं था कि इस प्रकार के छोटे छोटे राज्यों में से कम एक पर अधिकार बनाकर वहां पर अपना विस्तार किया जाए। इसलिए इस काल में साम्यवादियों ने मुस्लिम समर्थक समर्थन की नीति अपनाते हुए मुस्लिम लीग का पक्ष लिया, किंतु मुस्लिम लीग ने बहुराष्ट्रीयता के संबंध में मित्रता के इस हाथ को स्वीकार नहीं किया। फलतः साम्यवादी दल एक कलुषित संस्था बन गई। जिस समय प्रत्येक भारतीय का मुख्य लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्यवाद से किसी भी कीमत पर मुक्ति प्राप्त करना था, उसी समय भारतीय साम्यवादी दल विदेशी निर्देशन पर भारत को 17 पृथक प्रभुसत्ता पूर्ण राज्यों में विभक्त कर देना चाहता था। यानी साम्यवादी चाहते थे कि इस देश के 17 टुकड़े हों। कितने? 17 टुकड़े हों। फलतः यह दल जनता की दृष्टि में एक संदिग्ध संस्था बन गई। वास्तव में भारतीय साम्यवादी दल का श्रमजीवी अंतर्राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद से सामंजस्य नहीं बिठा पाया। वर्ग द्वेष यानी क्लास एंटागोनिज्म और आतंकवाद यानी वायलेंस के मूल सिद्धांत पर आधारित मार्क्स और लेनिनवाद भारतीय परंपरा के विरुद्ध था, भारतीय परंपरा के विरुद्ध था। तब से लेकर आज तक इस देश में साम्यवादियों का वर्चस्व सिर्फ दो स्टेट्स में देखा जाता है, एक केरला में, एक वेस्ट बंगाल में। कहां पर? थोड़ा थोड़ा दिल्ली में भी देखा जा रहा है। कहां देखा जा रहा है? दिल्ली। समझ में आया? हिडन रूप में दिखाई दे रहा है। किस रूप में? हिडन। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपके। अब इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कांग्रेस का समाजवादी दल।